हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और घर में हैं, सुरक्षित हैं। देखिए, लू चल रही है, घर में रहिए और पढ़ाई कीजिए। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है फूड चेन या आहार श्रृंखला या भोजन श्रृंखला जिसे कहते हैं। वो लगभग सभी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये छठी से बारहवीं तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आहार श्रृंखला क्या है? आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन। अब इसको सिंपली हम समझें कि फूड चेन क्या है। तो देखिए, एक चेन है जो आगे से आगे आगे से आगे भोजन सप्लाई करती है। कैसे? ये कोई मशीन तो है नहीं। देखिए, हमारा जो सबसे पहला भोजन का स्रोत है वो क्या है? हमारा जो सबसे पहला भोजन का स्रोत है वो है वनस्पति या प्रकृति। तो प्रकृति हमें भोजन देती है और जो तो बेस जो है वो है वनस्पति। तो फूड चेन का सबसे नीचे का स्रोत है वनस्पति, फिर वनस्पति को खाते जीव जंतु, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सब जो है वो वनस्पति को खाते हैं, और उन जीव जंतु कीड़े मकोड़ों को उनसे बड़े जो जीव जंतु होते हैं वो खाते हैं, उनसे बड़े जीव जंतु उन छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं। इस तरह से ये एक श्रृंखला चलती रहती है कि एक चीज जो है दूसरे के लिए भोजन का काम करती है। ठीक है, जैसे वनस्पति वो काम की शाकाहारी वस्तु जीवों के लिए भोजन का, फिर वो जो शाकाहारी जीव थे वो भोजन का काम किए मांसाहारी छोटे जीवों के लिए, और मांसाहारी जो छोटे जीव थे वो भोजन का काम किए मांसाहारी बड़े जीवों के लिए। तो ये एक श्रृंखला है, भोजन की श्रृंखला, और ये तब तक चलती रहती है जब तक कि सबसे आखिरी जो भोजन ग्राहता है वो खत्म नहीं हो जाता, और सबसे आखिरी जो चीज आती वो होता है डीकम्पोज, यानी कि बॉडी को वापस उसी चीज में पहुंच जाती जहां से शुरू होती है। बॉडी सड़ती है, गलती है, उसको छोटे छोटे जीवाणु जो है वो खाते हैं और आखिर में वापस मिट्टी के रूप में बना देते हैं। तो जहां से वनस्पति से भोजन श्रृंखला शुरू हुई वहीं आकर वो मिल जाती है। तो ये एक चेन है, एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप फिर वापस रोटेट होके वापस वन पे आ जाती है। तो ये है भोजन श्रृंखला। ठीक है, तो बेस जो है उत्पादक जो है सबसे पहला स्टेप होता है उत्पादक। उत्पादक जो है वो है वनस्पति, फिर प्रथम ग्राहता, ठीक है, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, इस तरह से आगे चलता है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए नोट्स के रूप में आप इसको कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, आहार श्रृंखला में पहला जो हो गया वनस्पति, ठीक है, तो वनस्पति से आगे चल के होता है जीव जंतु। ठीक है, आप इनको चित्रों के रूप में भी शो कर सकते हैं। फिर है मांसाहारी छोटे प्राणी, फिर है मांसाहारी बड़े प्राणी, ठीक है, फिर ये वापस जब ये खत्म हो जाते हैं तो ये आके वापस होते हैं डीकम्पोज, या इनका होता है अपघटन, ठीक है ना, यानी कि डीकम्पोजिशन। तो अब इसको हम नोट्स के रूप में देखें, तो आहार श्रृंखला या फूड चेन, भोजन के लिए सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति पर निर्भर होते हैं। ठीक है, वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाती, इसलिए देखिए इम्पॉर्टेंट चीज है, वह स्वपोषी कहलाती है। वनस्पति क्या है? स्वपोषी। तो ये पहला क्वेश्चन है कि भोजन श्रृंखला में वनस्पति क्या कहलाती है, वो है स्वपोषी। फिर है आहार श्रृंखला में पौधों को उत्पादक, यानी कि वनस्पति जो है वो उत्पादक है, और जंतुओं को उपभोक्ता की संज्ञा दी जाती है। दूसरा क्वेश्चन, आहार श्रृंखला में पौधों को क्या कहा जाता है? ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन आहार श्रृंखला में जंतुओं को क्या कहा जाता है, ये तीन क्वेश्चन बन गए। फिर है आहार श्रृंखला वनस्पति से प्रारंभ होती है तो वो वनस्पति क्या कहलाती है, उत्पादक। फिर है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। अब हम आते हैं उपभोक्ताओं पे, मैंने ये कहा ना, तो ये वनस्पति तो हो गई उत्पादक, ठीक है, अब ये है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। ये हो गए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता क्या होता है, शाकाहारी, जो वनस्पतियों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, वे जीव जंतु जो वनस्पति पर निर्भर करते हैं, जैसे खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, चूहा, हिरण और बहुत सारे छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं। फिर आते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, ठीक है ना, वे सभी जंतु जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। ये हमारी फूड चेन में जो छोटे मांसाहारी प्राणी थे, ये हो गए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, ठीक है। तो जो इन इन छोटों पर निर्भर करते हैं, ये क्या करते हैं, इनको खाते हैं, ठीक है ना, मांसाहारी जीव जंतुओं, जो शाकाहारी जीव जंतु उनको खाते हैं। फिर आते हैं बड़े जीव जंतु, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, मांसाहारी जैसे कौन से होते हैं, मेंढक, छिपकलियाँ या छोटे मोटे कीड़े मकौड़े जो हैं या छोटे मोटे जीव जंतु हैं। फिर है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना, बड़े वाले मांसाहारी शाकाहारी जो शिकारी जीव जंतु होते हैं, इन्हें शीर्ष श्रेणी के उपभोक्ता भी कहा जाता है, जो जैसे शेर, चीता, बाज और ये सारे होते हैं, भालू और गिद्ध और जो छोटे मोटे जीव जंतुओं को जो शाकाहारी सॉरी मांसाहारी जीव जंतु है उनको खाते हैं, जैसे बाज, गिद्ध, शेर, भालू और भी बहुत सारे बड़े बड़े जंगली जीव जो शाकाहारी जीव होते हैं। तो ये है फूड चेन, ठीक है ना। अब हम आते हैं डीकम्पोजर या अपघटक। अपघटक क्या होते हैं, एक नई चीज़ देखिए आपको जानना पड़ेगा। अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव जो हमें नज़र भी नहीं आते, वे सभी मृत जीवों और वनस्पतियों को उनके पार्थिव अवयवों को मैं तोड़ देते हैं, ठीक है ना, उनको कहते हैं ना सड़ांध आ गई और कीड़े लग गए, तो वो जो कीड़े लगना होता है वो अपघटन होता है, शरीर सड़ जाता है, ठीक है ना, निर्जीव शरीर जो होता है वो सड़ जाता है, वनस्पति सड़ जाती है, तो वो जो है वापस उसी रूप में आ जाती है, वापस ज़मीन में मिलाने लायक हो जाती है, तो वो अपघटन होता है। अपघटन की प्रक्रिया मृत्यु के बाद शुरू होती है, जब सबसे आखिरी मांसाहारी जो जीव हैं, जो बड़े मांसाहारी जीव हैं, वो जब ख़त्म हो जाते हैं तब अपघटन की प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि अगर किसी छोटे जीव जंतुओं को किसी ने नहीं खाया और वो अपनी मृत्यु मरे और अपघटन की प्रक्रिया शुरू हुई तो भी वो वहीं ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए वनस्पति है, ये सड़ गई तो वापस अपघटन की तरफ आ गई। जीव जंतु जो प्रथम श्रेणी के थे शाकाहारी, उनको किसी ने नहीं खाया और अपनी मृत्यु मरे तो वापस यहाँ आ गए, ठीक है। फिर अगर इन्होंने इनको खा लिया, मतलब इनको इन लोगों ने खा लिया, मांसाहारी छोटे छोटे जीव जंतुओं ने खा लिया और मर गए तो वापस अपघटन की प्रक्रिया में आ जाते, फिर ये आखिरी तो है ही। और इस अपघटन की, मृत्यु के बाद जो अपघटन की प्रक्रिया होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सामान्य तौर पर सड़ने के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो ये हुई फूड चेन। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न बने वो मैंने बता दिए, आप इनको तैयार कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू।